हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। माइक स्पेस में जाने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, पर वह रोक नहीं पाता और वह स्पेस में चला जाता है। पर वह एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसके सहारे वह दोबारा स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। गंजे फील के पेट में दर्द हो रहा था। गेल बुक में देखकर सबको बताती है कि यह तो अपेंडिक्स का लक्षण लग रहा है, मगर उसे सियोर नहीं था, इसीलिए वह बोलती है कि गैस भी हो सकता है। सब लोग गंजे फील को टॉयलेट जाने को कहते हैं ताकि गंजे फील के पेट से गैस बाहर निकल जाए, पर गंजा फील सब पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसे गैस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गैल सबको किताब पढ़कर अपेंडिक्स के लक्षण के बारे में बताती है। सेम चीज गंजे फील के साथ हो रहा था, जिसके बाद सबको विश्वास हो जाता है कि गंजा फील को अपेंडिक्स की बीमारी है। एरिका गैल से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। गैल उन सबको बताती है कि अपेंडिक्स की बीमारी सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक हो सकता है। टैंडी गैल को ऑपरेशन करने को कहता है, पर गैल एक डॉक्टर नहीं थी, इसीलिए गैल गंजे फील का ऑपरेशन करने से मना कर देती है और बोलती है कि वह नॉर्थ कैरोलिना में एक 3-स्टार रेस्टोरेंट में एक शेफ थी, ना कि एक डॉक्टर। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। एरिका गैल के पास जाती है और गैल को ऑपरेशन करने के लिए कहती है, मगर गैल उसे बोलती है कि वह एक डॉक्टर नहीं है। वह छोटे मोटे टाके तो लगा सकती है, मगर ऑपरेशन नहीं कर सकती। पर एरिका के जोर देने पर गैल ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां पर टैंडी आता है। टैंडी कुछ बोलता उससे पहले ही गैल बोलती है कि मैं गंजे फील का ऑपरेशन करूंगी। यह सुनकर टैंडी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं, जो कि गंजे फील के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहां पर टैंडी आता है, जो कि गंजे फील को एक बर्थडे कार्ड देता है और कहता है कि तुम बहुत दिन जियोगे, यह कार्ड अभी मत खोलना, जब तुम 50 साल के हो जाओगे तब यह कार्ड खोलना। इसके बाद टैंडी गैल के बच्चे से बात करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो बच्चे, तुम अपने पिता से जरूर मिलोगे। और फिर वह अपेंडिक्स बीमारी को गाली देने लगता है। एरिका को यह चीज़ पसंद नहीं आती, तो एरिका टैंडी को रूम से बाहर जाने को कहती है। टैंडी जाने से पहले गंजे फील को बोलता है कि मैं तुम्हें आराम करने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, ना कि हमेशा के लिए। यह बोलकर टैंडी वहाँ से चला जाता है। कैरोल और मेलिसा हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी मेलिसा रोने लगती है। कैरोल उसे समझाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, गंजा फील ठीक हो जाएगा, हम उसकी जान बचाएंगे, तुम रो मत। यह सुनकर मेलिसा चुप हो जाती है। अगले सीन में हम गैल को देखते हैं, जो कि बिस्किट में ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहां पर हमारा टैंडी आता है, जो कि गैल को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। गैल बोलती है कि हाँ, एक काम है जो कि तुम कर सकते हो। इसके बाद हम टैंडी और थॉट को देखते हैं, जो कि मुर्दा घर से डेड बॉडी लाने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें वहां पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। तभी टैंडी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह थॉट को लेकर गॉर्डन के कब्र के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि हमें गॉर्डन की डेड बॉडी लेकर जाना चाहिए, पर थॉट इसके लिए तैयार नहीं होता। पर हमारा टैंडी गॉर्डन के कब्र से उसकी डेड बॉडी बाहर निकालने लगता है और वह थॉट को उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर थॉट इसके लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि गॉर्डन मेरा दोस्त था, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और यह बोलते हुए थॉट रोने लगता है और टैंडी को सब कुछ बता देता है कि उसका चक्कर मेलिसा के साथ साथ गैल के साथ भी चल रहा है। यह सुनकर टैंडी चौंक जाता है। दरअसल थॉट का गैल के साथ भी चक्कर था और वह नहीं चाहता था कि वह गॉर्डन की डेड बॉडी लेकर गैल के पास जाए, क्योंकि इससे उसके रिश्ते में असर पड़ता। पर टैंडी के कहने पर थॉट टैंडी की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है और ये लोग गॉर्डन की डेड बॉडी लेकर गैल के पास जाने लगते हैं। दरअसल गैल ने इन्हें ऑपरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एक डेड बॉडी लाने को कहा था, पर हमारा टैंडी गैल के प्रेमी यानी कि गैल जिससे प्यार करती थी उसी की डेड बॉडी लेकर उसके पास जाता है, ताकि गैल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर सके और गंजे फील की जान बचा सके। पर गैल की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि जब हमारा टैंडी गॉर्डन की डेड बॉडी लेकर गैल के पास जाता है तो देखता है कि गैल पहले से ही एक डमी प्लास्टिक की डेड बॉडी में ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही है, जो कि उसे मेलिसा और कैरोल ने लाकर दिया था। और अब गैल को डेड बॉडी की जरूरत नहीं थी, इसीलिए टैंडी और थॉट गैल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और गॉर्डन की डेड बॉडी को वापस कब्र में जाकर दफना देते हैं। एरिका गैल के पास जाती है तो देखती है कि गैल अभी भी डमी डेड बॉडी में प्रैक्टिस कर रही है। वह गैल को कहती है कि गंजे फील का दर्द बढ़ रहा है और तुम्हें उसका ऑपरेशन करना होगा, पर गैल अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी वहां पर गंजा फील आता है, जो कि गैल को उसका ऑपरेशन करने को कहने वाला था, पर उससे पहले ही गंजे फील के पेट में दर्द बढ़ जाता है और वह दर्द के कारण जमीन में गिर जाता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो कि टेरी के बच्चे का नाम फिल रखता है और फिर उससे बातें करने लगता है और डिसाइड करता है कि वह पृथ्वी पर जाएगा। इसके बाद वह एक स्पेस क्राफ्ट लेकर पृथ्वी की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है उस छोटे से कीड़े को लेकर। इधर हम गैल को देखते हैं, जो कि गंजे फील का ऑपरेशन कर रही थी।
थॉर उसकी मदद कर रहा था और बाकी सब बाहर से गेल को ऑपरेशन करते हुए देख रहे थे। ऑपरेशन के दौरान गेल को वह पार्ट मिल जाता है जो कि उसे काट कर बाहर निकालना था, जिसकी वजह से खून तेजी से बाहर निकलने लगता है और गंजे फील की मौत हो जाती है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।